आ गया हराम के खाने। मर गए, ये मुसीबत आज फिर आ गई। क्या हाल है सुखी राम? बहुत दुखी हूँ सरकार। क्यों, कोई गुंडा तो परेशान नहीं कर रहा है ना? आपके होते हुए कोई और गुंडा कैसे परेशान कर सकता है सरकार? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बिस्किट मत खाइए सरकार। क्यों, क्यों? ये कुत्तों के खाने के बिस्किट हैं। चलेगा चलेगा, इनको आदत है। तू भी ले, ओकना नहीं। हाँ। अरे ये क्या, नई कंपनी का लगता है? नई कंपनी का है, 70 रुपए का एक है। वेरी गुड, 4 बांध दो। ए जी सुनिए, ये साबुन भी नई कंपनी का लगता है। अरे वाह वाह, 2 दर्जन ये भी बांध दो। 10 रुपए का एक है मालिक। मैंने सुना तू तेल में पानी मिलाता है, चावल में कंकड़, धनिये में घोड़े की लीद और मिर्च में ईंट पीस के मिलाता है। ये क्या बात कर रहा है साहब, ये सब झूठ है भाभी जी। अरे क्या झूठ है, चल 1 किलो मिर्ची बांध, 1/2 किलो धनिया, 5 किलो तेल और 10 किलो चावल बांध। मैं घर ले जाऊंगा, पकाऊंगा, खाऊंगा और चेक करूंगा। जी जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे बैंक जाना है, बैंक बंद हो जाएगा। ओ हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ तो सुखी राम, कुल मिलाकर कितने हुए भाई? लगता है पुराना हिसाब चुकाने वाला है सरकार। पिछला और आज का मिलाकर 6,900 रुपया। अच्छा अच्छा, और तुम्हारे पास रुपए कितने है? निकालो। 2,000 रुपए है सरकार। 2 ये 3 ये 5 हो गए। बैंक में जमा कराओ, अपने 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। मैं चलती हूँ। तुम निजाम में लिख लेना ये पेड़े भी, और भूल जाना। साला कमीना रिश्वत खोर। साला पेड़े का भी हिसाब खाते में लिखा है। ए, कानून को टक्कर मारता है लगड़ा। कानून और अंधी जनता की टक्कर तो अक्सर हुआ ही करती है इंस्पेक्टर। मेरा नाम इंस्पेक्टर अजगर सिंह है। तो क्या गरीबों को निकल जाएगा, उनका माल खाएगा? ये मेरा इलाका है, मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। तू कौन होता है, मुझसे उलझेगा तो जेल की चक्की में पीस कर रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास भी एक ऐसा तिलस्मी बांबू है, ऐसा बांबू लगाऊंगा कि जिंदगी पर बंदर का नाच ना जाएगा। इंस्पेक्टर याद रख, 24 घंटे के अंदर अगर गरीबों का खाया माल नहीं लौटाया ना, तो वो अश्र करूंगा कि तू याद करेगा। तू है कौन, तू मिनिस्टर है, तू चीफ मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री, तू है कौन जो तू मेरे मुंह मत लग, वरना ये जरा टोपी ऊपर करना, जरा टोपी ऊपर करो। क्या क्या कुछ नहीं हो सकता यार। अरे जाओ तुम जाओ। ये क्या देख रहा था टोपी में, हवलदार चल मेरे साथ। अरे क्या देखता था यार ये, अरे क्या देख रहा था, इंक्वायरी करते हैं टोपी के नीचे क्या है। देखा राजा भैया, ये अजगर कैसे हम लोगों को तंग करता है। घबराओ मत सुखी राम, देखना आज के बाद इसका खाना पीना उठना बैठना तो क्या, सोना भी हराम कर दूंगा। कौन है बदतमीज? हेलो, मैं निसार खान बोल रहा हूँ। निसार खान बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट उठाती हूँ। एजी एजी सुनो, एजी उठो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो। उठो। ये रिश्वत नहीं जो जेब में डाल रहे हो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो। एसएसपी साहब, यस सर, इंस्पेक्टर अजगर सिंह स्पीकिंग सर, एनी इमरजेंसी सर? कल सवेरे पहली फ्लाइट से हेल्थ मिनिस्टर हमारे इलाके में आ रहे हैं। डोंट वरी सर, हेल्थ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो जाएगा सर। बंदोबस्त उनका नहीं, हमारे इलाके के कुत्तों का करना है। कुत्तों का? तो क्या फ्लाइट में मंत्री जी के कुत्ते भी आ रहे हैं सर? बेवकूफ, हमारे इलाके के कुत्तों में बीमारी फैली हुई है, मंत्री जी को एलर्जी है, इसलिए उनके यहाँ पहुँचने से पहले कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन एक्सक्यूज मी सर, ये कुत्ते पकड़ने का काम तो म्युनिसिपैलिटी का है। कौन सा काम किसका है मुझे मत समझाओ, मैं कह रहा हूँ कुत्ते अरेस्ट कर लो तो कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन सर इतने सारे कुत्ते मैं रखूंगा कहाँ? हवालात में। लेकिन हवालात में जो मुजरिम है उन्हें छोड़ दो, वो तो इंसान है, दोबारा पकड़ लेंगे। मगर कुत्ते बार बार पकड़े नहीं जाते। अब न सवाल न जवाब, गुड नाइट। बैड नाइट, इतने सारे कुत्ते एक रात में। गुड मॉर्निंग सर। अजगर सिंह
ये अंदर सब क्या हो रहा है? कुत्ते सर, कुत्ते, भांति भांति के आवारा कुत्ते, दुम कटे कुत्ते, कान कटे कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते, बिना खुजली वाले कुत्ते, पट्टे वाले कुत्ते, बिना पट्टे वाले कुत्ते, काटने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। ओ सर, इन कुत्तों को कैसे पकड़ा है ये सिर्फ हम ही जानते हैं या फिर ये कुत्ते जानते हैं? वो सारे कैदी कहाँ हैं जो अंदर बंद थे? सर आपने कहा था कैदियों को छोड़ दो, कुत्तों को अंदर ले लो, क्योंकि कैदियों को तो हम फिर पकड़ सकते हैं। कुत्ते इम्पॉसिबल, यू टोल्ड मी। ये मैंने कहा। यस, मैंने कहा था। हाँ, तुम बिल्कुल पागल हो। नहीं सर, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। सर रात को आपने टेलीफोन पे कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, शहर की सड़कों पे एक भी कुत्ता नजर नहीं आना चाहिए। सो आई ओबेड यू। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें फोन कैसे किया जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि टेलीफोन कंपनी ने पड़ोसी के फोन के बजाय मेरा ही टेलीफोन काट दिया। वो सर याद कीजिए, आपने पब्लिक बूथ से टेलीफोन किया होगा, यू नो। शट अप। तुम जानते नहीं, तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। यानी आपने फोन नहीं किया? नहीं। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने ऐसी बेहुदा हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर ही दूंगा। सर अंडरस्टैंड? सर इन कुत्तों का क्या करूं? अबे छोड़ दे मुझ पर। एक एक करके छोड़ू, एक साथ छोड़ दूं? शट अप। तू जानता है तेरे को सस्पेंड कर सकता हूं। मैंने फोन नहीं किया। बजा बजा। हेलो। क्यों असगर भाई, कैसी कटी रात कुत्तों के साथ? तू तो ये तेरी हरकत थी। अरे मेरी गलती हुई उन कुत्तों के साथ, तुझे क्यों नहीं अंदर बंद किया मैंने? अरे ये तो मेरी शराफत थी। अगर 24 घंटे के अंदर दुकानदारों को खाया माल लौटाया नहीं ना तो ट्रांसफर करा दूंगा, ट्रांसफर। बेटा मेरा नाम अजगर सिंह है, मुझसे पंगा ले गया तो ऐसे केस में फंसाऊंगा कि दोबारा इस इलाके के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा तू। तो ठीक है अजगर भाई, ये आने वाले 24 घंटे ही बताएंगे कि कौन किसको निकलता है। अबे रख दे फोन। देखना इसका मैं क्या हाल कर दूं, बहुत होशियारी मार रहे हैं। अरे अरे वकील साहब, अरे क्या हाल? अरे राजा भैया नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्कार भैया, क्या हाल है? बस ठीक ही है। और सुनाइए दिल्ली में सब कुशल मंगल? क्या बताएं राजा भैया, मेरी तो जान मुश्किल में पड़ी हुई है। क्यों, क्या हो गया? आपको नहीं मालूम? नहीं। वो निसार खान के केस के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। निसार खान? अच्छा एसएसपी साहब। हाँ वही। अरे अरे बगल बगल बगल, क्यों उनका क्या चक्कर यार? अरे दिल्ली में उन्होंने किसी पार्टी में नशे में किसी लेडी अफसर को छेड़ दिया। बस हो गया हंगामा, उस लेडी अफसर ने कोर्ट में केस ठोक दिया। फिर कल सुबह 11 बजे तक अगर खान साहब दिल्ली नहीं पहुँचे तो उनके नाम से नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। अच्छा। हाँ। कब जा रहे हैं निसार साहब दिल्ली? कल सुबह 7 बजे की ट्रेन से राजा भैया। अच्छा, यानी कि आज रात को ही कुछ करना होगा। कौन? ओ, 5 बजे? ये सुबह के 5 बजे कौन आ गया? ए जी, ये तो कभी उठेंगे नहीं। हाँ हाँ एक मिनट, कौन है? वो है क्या? वो कौन? अजगर भाई है। कहाँ जाएंगे, मगर आप कौन है? मैं आपके एसएसपी निसार की बेगम हूँ, सलमा पीछा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एजी सुनते हो, एसएसपी साहब की बेगम आई है। क्या एसएसपी साहब की बेगम साहिबा? रिपोर्टिंग मैडम, रिपोर्टिंग। बेगम साहिबा, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ, खैरियत तो है? क्या बताऊँ असगर भाई, मैं लूट गई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या? आप तो जानते हैं कि निसार साहब कितने गुस्सैल आदमी हैं, छोटी सी बात से नाराज होते हैं, दिल्ली जा रहे हैं। अजी मगर दिल्ली क्यों जा रहे हैं? मैंने सुना है कि उनका दिल्ली में कुछ चल रहा है। चक्कर? दूसरी वाली का? दूसरी शादी? अपने शौहर से कहो ना कि मेरे शौहर को दिल्ली जाने पर रोक ले। जी रोको जी, बात सुनने दो। अगर आप लोगों ने नहीं रोका ना तो मैं पंखे पर रस्सी बांध कर अपने आप को फांसी लगा लूंगी। आपके घर में पंखा तो होगा? है, मगर टेबल फैन है। या अल्लाह, अब मैं किस पर लटकूंगी? सलमा सलमा बहन, हाँ। आपके शौहर इस ट्रेन पर नहीं चलेंगे। ये एक भाई का वादा है। कितने बजे की ट्रेन है? सवेरे 7 बजे की। नहीं चढ़ेंगे।
एसएसपी साहब, सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए। असगर सिंह, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ, हमें गुड लक कहने आए हो? नहीं सर, नहीं, मैं आपको समझाने आया हूँ, जो हो गया उस पे झाड़ू मारिए। अरे ऐसे कैसे झाड़ू मार दूँ सर, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं सर। ये कोई छोटी मोटी बात है, हमारी इज्जत का सवाल है। अजी इज्जत को मारिए गोली, मेरा मतलब आप घर चलिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मेरी गलती? क्या बकवास कर रहे हो? नो सर, आप जा नहीं सकते। मैं कहता हूँ छोड़ दो हाथ। नहीं सर, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। सर ट्रेन तो क्या, प्लेन भी होता तो वो भी छूट जाता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सॉरी, मैं कहता हूँ छोड़ दो हमें। नो सर, दिस इज एन ऑर्डर। तो फिर आई एम सॉरी टू से दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर। ये क्या कर रहे हो? अबे ये क्या कर रहा है, पागल होगा क्या? छोड़ दो मुझे, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी ट्रेन छूटने वाली है। अरे सर दुनिया छूट जाए, मैं आपको ये ट्रेन नहीं पकड़ने दूंगा। ये देखो ट्रेन जा रही है। अरे जा रही है। सर जाने दीजिए, मैं यही चाहता हूँ ट्रेन चली जाए। हथकड़ी खोलो। नहीं खोलूंगा। मैं कहता हूँ खोलो। नहीं खोलूंगा। खोलो। नहीं। अरे जा रही है, जा रही है। गई। बेवकूफ उल्लू के पट्टे, ये क्या किया तुमने? आज मुझे हर हाल में दिल्ली पहुंचना था। नो सर, अगर आज आप दिल्ली पहुंच जाते तो आपकी बेगम गले में रस्सी बांध के पंखे से लटक के ऊपर पहुंच जाती। क्या बकवास कर रहे? Yes. हमारी बेगम तो दिल्ली प्लेटफॉर्म पे हमारा इंतजार कर रही है। दिल्ली प्लेटफॉर्म पे? सर सुबह मेरे घर आई थी। क्या भाई साहब, आज कोर्ट में ना पेश होने पर मेरे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा। ओ नो सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, मैं भी इसी वक्त तेरा ट्रांसफर करता हूँ। नहीं सर, मेरी बात समझिए सर। यू आर सस्पेंडेड। बट सर मैं आपसे सस्पेंडेड। बड़ा पक्का सस्पेंड किया इसने सर। अगर दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर इनकी बेगम है तो सुबह जो मेरे घर आई थी कौन थी? वो कौन थी? किसका फोन है प्लेटफॉर्म पर भाई? मैं तो सस्पेंडेड हूँ। और फिर बजाए साला, उठाता हूँ नहीं तो बजता रहेगा। हेलो हेलो अजगर भाई, सलमा बहन का आदाब। अरे कमीनी, ये क्या किया तूने मेरे साथ? कमीनी नहीं, कमीना बोल रहा हूँ। कहा था ना अगर गरीब दुकानदारों का पैसा नहीं लौटाया तो 24 घंटे में हो गई ना तुम्हारी ट्रांसफर। चलो अब मैं भी चलता हूँ, हमारा काम तो हो ही गया है, अब हम भी चलते हैं मुंबई।